तुझे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए क्या किए हैं, फोनेटिक सिंबल्स ये है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ना यही है, यही इसमें ट्रांसक्रिप्शन है। फोनेटिक सिंबल्स ये है, ये हिंदी में उच्चारण है, ये शब्द है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। हाँ ये देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, और हिंदी में उच्चारण एवं अर्थ है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये हो गया आ, आ ये सिंबल है, हिंदी में दिए हैं। अब जैसे कप लिखना है, अब कप को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैसे कीजिएगा, क अप कप, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कप हो गया प्याली, फिर हो गया अ, ये हो गया अ, ब नाना ब नाना किला, ये है अ, ये थर्ड थ, थ ऐसे लिखा जाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अ डॉ, और ये लाइन दीजिए थर्ड, तीसरा औ औ औ, गो 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 जाओ। अब देखिए ये है आ आ, आस्क 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 मैंने पूछना, ये है आ काक 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 मुर्गा, आई बाई 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 खरीदना, ये है आई ऑइल ऑइल ऑइल, ठीक है हम लोग बोलते हैं ऑयल बोल देते हैं, लेकिन जो सही उच्चारण है ना अंग्रेजों का वो हम लोग के लिए बहुत कठिन है, लेकिन क्या कीजिएगा, परीक्षा के लिए आपको कुछ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये सब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे आऊ है तो नाउ देगा, तो आप लिखिए कैसे नाऊ, और इधर लाइन दे दीजिएगा नाऊ को नाव, अब पेज टू में इसी तरह आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में सब करना पड़ेगा, और करते करते कुछ हो जाएगा, कुछ हो नंबर ला लीजिए, कठिन तो है ज़रूर। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए ये है ई, हिंदी में ई, ये है बिग, अब कैसे लिखिएगा इसको फोनेटिक, बी आई ऐसे करके जी, बिग बिग मैंने बड़ा, ये ईय ईय है, पाइय 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 पाइय, हम लोग बोलते हैं फायर बोल देते हैं, लेकिन फायर नहीं है ये पाइय, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देना है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ये ई देखिए डॉल देने से लंबा खींचा जाता है ई, ठीक है डीप कैसे लिखे डीप, डी ये डीप डीप ने गहरा, ये है उ उ बुक कैसे लिखे बुक को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये मेन चीज़ यही आपको लिखना है, ये सब खाली समझाने के लिए किए हैं, ये बुक ये बुक बुक ने किताब, ये है उ, अब श्योर दे दिया कैसे कीजिएगा शुअ, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ताला विषय है शुअ, बाद में बताएंगे शुअ शु अवश्य, ये है डॉट वाला लंबा ऊ ऊ फूल, ठीक है फूल मूर्ख, ये ए है, ये देखिए लिखते हैं ई लेकिन ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये है ए है, ये ए सर दूध है क्या, ए ए में क्या है जैसे टेन टेन है तो टेन, ई ए ए क्या है क्या पेयर, पेयर में ना जोड़ी, ए फेल फेल माना असफल होना, ए है देखिए ए है तो कैट कैट बिल्ली, ओ तो ये डोर, तो डोर कैसे लिखिएगा डी ओ करके, देखिए ये वो इम्पोर्टेंट है डोर, ये तारा दे देता है ना कोमल रॉ डोर नहीं डो। अब हम आ रहे हैं और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्या कहते हैं फोनेटिक डाल रही थी, ये ग है ये ठीक करो, ये ग है ग, यहाँ ग है ग ग गुड यू एस ए गुड, ये ग है गुड गुड में अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है च, देखिए च कैसे लिखता है च, ये है जैसे चेन लिखना है ये करके चेन मैंने जंजीर, ये ज है जॉय से देखिए ट्रांसक्रिप्शन जॉय होता है जॉय जॉय डीजे करके ये जॉय तो खुशी, ये अंग है लॉन्ग लॉन्ग लंबा, ये थ है थ ऐसे
थिन, थिन मैंने दुबला। ये द है द, देन, देन मैंने तब। ये तालब शो इंटरेस्टिव वही लेकिन मजा आता वो तालब शो शिप ऐसे। और ये लकीर जरूर दीजिएगा शिप ने जहाज। ये बहुत कठिन है ज ज प्लेजर प्लेजर। देखिए ये प्लेजर कोमल रॉ प्लेजर मैंने सुख। ये देखिए यो है ये यो यस ऐसे यस लीजिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये हुआ यस मैंने हाँ। अब देखिए हमारे पुराने दोस्त हैं ये सब बी पहले जैसे लिखा जाता था डॉ भी उसी तरह फॉ भी उसी तरह ह भी उसी तरह क भी उसी तरह लॉ उसी तरह म उसी तरह न उसी तरह प उसी तरह र उसी तरह ये है एस उसी तरह ट उसी तरह व उसी तरह व उसी तरह ये ज नुक्ता वाला। अब आखिरी पेज हम आ रहे हैं लगता है हाँ अब आखिरी पेज आ गए। अब मान लिया हमको लिखना है थैंक यू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो कैसे लीजिएगा तो थ ये है थैंक यू बस दैट्स ऑल थैंक यू।